तुझे क्या हुआ है? यार मुझे बड़ी हंसी आई है। उफ़ ओ बोल रहे हैं आई एम न्यू हेयर आई डोंट नो प्लीज। अब इन लोगों ने ना किसी लड़की को घास वास डाल दिया तो उसने ना चर लिया है तो जिस वजह से ना ये भाई साहब नहीं बताना चाहते। हाँ जी यस रेस्टोरेंट नेम फिल फिर फिल्ले ओके फिल 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 अस्सलाम वालेकुम जी। अब मैं मौजूद हूँ वकील बाजार के अंदर। ये मार्केट भाई जैसे थोड़ा सा अंधेरा हुआ है उन लोगों ने साइडों पे अंदर बिल्कुल इसके लाइटें लगाई हुई हैं और ये लाइटें भी वाटरप्रूफ है। इसके ऊपर पानी शानी आ जाए तो कोई सीन नहीं है ख़राब होने वाला। तो अभी जी इसके अंदर से होते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे से मेरा ख्याल लड़की व्लॉग आई मीन वीडियो बनाती आ रही है तो लाइट की वजह से कुछ रोशनी आए। मज़े हैं ना भाई ईरान में? ईरान में काफ़ी मज़े हैं और मेरा दोस्त यहाँ पर ना गुम है सफदर। लेकिन वो भाई साहब उधर देखो कॉल पे लगे हैं। ओए भाई साहब उधर कॉल पे लगे हैं जिसके काम चेक करें। ऊपर से बारिश भी होनी शुरू हो गई है। देखिए थोड़ी सी हल्की हल्की रिमझिम भी हो गई है। और ये मार्केट का सीन देखें जी। रात हो गई है मुझे आधे से ज़ायद घंटा हो चुका है भाई का वेट करते हुए। ये छोटा सा एक सीन आया है यहाँ पर और मैंने सोचा कि यहाँ पर ना वीडियो शुरू करते हैं और अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या है। बाज़ार का नेम आप लोगों ने पढ़ लिया होगा लेकिन मुझे भी नहीं पता था तो अभी इसके मैं अंदर इंटर हुआ हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को बर्तन शर्तन दिखाते हैं जी। ये किस तरह के ये सराइयाँ बनाई हैं। पहले मिट्टी से इसको पकाया गया, पकाने के बाद इसको फिर पका दिया गया। ये ऊपर भी देखें पुराना और बहुत जदीद सामान है लेकिन मेरे ख्याल में ये नए बना रहे हैं। और ये सामने देखें ये प्याला भाई साहब चेक करें और इसके अंदर सांप बना हुआ है। और भाई साहब ये आप लोगों ने चीज़ें देखी और ये एक छोटा सा अंदर वाला सीन है ये भी आप लोगों को दिखा दूं जी। यहाँ से इंटर होते हैं अंदर काफ़ी माहौल मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। तो ये देखिएगा सीन जी। ये सामने रेस्टोरेंट है और ये जी फुहारा चल रहा है और यहाँ पर लोग बैठ के खाना वाना खाते हैं जी। साथ में टिश्यू विशू भी सब पड़े हैं। वो सामने रेस्टोरेंट है और यहाँ पर लोग आके सिगरेट और कॉफ़ी चाय जो भी मसलन के वट एवर जो उनको पसंद हो वो खा पी लेते हैं। सीन बहुत लेवल का मुझे पसंद आया तो मैंने सोचा कि यहाँ पर बनाऊँ। सलाम हाउ आर यू? फाइन गुड ओके सलाम अलैकुम। नेम ऑफ रेस्टोरेंट? नेम? यस रेस्टोरेंट नेम फिल फिर फिल्ले फिल्ले ओके फिल फिल फिल। सो जी ये फिल का रेस्टोरेंट है और यहाँ पर आप लोगों को हर चीज़ खाने पीने की मिलेगी। पेस्ट्री वगैरह लेना देना मसल के वट एवर कॉफ़ी फिल हर चीज़ यहाँ पे फिल ही है। तो ये इनका किचन विजन है और उसके बाद यहाँ पर ये लोग मेहमान जो आते हैं उन लोगों को खाना वाना देते हैं। लेकिन मैं इस साइड से होते हुए जाऊंगा। बाहर वाला सीन भी काफ़ी लेवल का है। और ये जी यहाँ पर है रेस्टोरेंट इसके अंदर ये वकील बाज़ार में जब आप दाखिल होते हैं छोटा सा एक राइट साइड वाला सीन आता है वहाँ से ये लोग उन लोगों के अंदर आए। अंदर ये फिल होटल है और यहाँ पर लोग आके खाना वाना खाते हैं और पीते हैं। फिर ये देखिए उन लोगों ने सेंटर वाला सीन खूबसूरत बनाया और साइडों पर बैठ के ये आप लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे घास है घास जैसी शीट है इन लोगों ने रखी। ये फूल वूल और फुहारे शुहारे चलाए हुए हैं जी। तो यहाँ से होते हुए मैं जा रहा हूँ अभी बाहर वाली साइड में। ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये ट्रेडिशनल बाज़ार है ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर और इसके अंदर उन लोगों ने भाई खाली जगह कोई भी नहीं छोड़ी हुई। सब बेहतरीन सीन बनाया है। सीन के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को खरीदने वरीदने वाली चीज़ें सब मिल जाएंगी। अभी मैं जा रहा हूँ जी बाहर वाली साइड पर। बाहर निकलते हैं फिर आगे देखते हैं। या देखिए अब वकील बाज़ार के अंदर ये वकील बाज़ार नहीं है लेकिन सारा वकील बाज़ार ही कहा जाता है क्योंकि एक बाज़ार होता है उसमें कितनी शाखें होती हैं। ये एक सेंटर वाली शाख है जो साउथ वाला बाज़ार है ना वकील साउथ उसमें आती है ये। तो अभी वहाँ पर वापस चलते हैं। इस साइड पे आप जाएंगे तो चले जाएंगे आगे तो आगे आएगी करीम मार्केट करीम बाज़ार। तो इस साइड पे जाएंगे
वो आगे आएगा जनूब, जनूब वाला बाजार है आगे जी। और वकील बाजार के अंदर से होते हुए मैं जा रहा हूँ, वो सामने जो है कि मेरे जो दोस्त हैं साथ वाले, वो मेरे ख्याल उधर मेरा वेट कर रहे हैं। तो कॉल मैंने की थी तो वो कह रहे हैं कि आप लोग उधर आ जाएं, बाजार से अंदर से, बाजार के अंदर से होते हुए मैं बाहर वाली साइड पे जा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत माहौल भी दिखेगा और चीज़ें भी यहाँ पर जो है बेहतरीन देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ये बाज़ार के अंदर जब मैं चल रहा होता हूँ ना, तो बाज़ अवकात अलाउडली बोलना मतलब के लोग अच्छा नहीं समझते, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आस्ता बोलता हूँ। अगर वॉइस का थोड़ा बहुत हो फ़र्क तो एडजस्टमेंट कर लेना। और यहाँ पर भी वही सीन है, दोनों साइडों पे बिल्कुल वही सीन है जी। माशाल्लाह बाज़ार काफ़ी खूबसूरत है जी। वो सामने खड़े हैं जी दो हमारे यार, वो सामने खड़े हैं दो। और मेरा सफदर जो जानी है उसका मुझे नहीं पता वो किधर है किधर नहीं। तो ये जी इसका वो सेंटर वाला जो स्ट्रीट होती है जहाँ पर लोग चहलकदमी करते हैं, बैठ के कुछ खाते पीते हैं और काफी मजे वाला सीन है। शाना हाय, हाउ आर यू? क्या करता फिर रहे भाई? मेहनत मेहनत मेहनत। ओ धीमे क्या हाल है? कुछ अंदर की बातें करने लगा हूँ, कैमरे में ना रिकॉर्ड कर। हाँ कर, बता बता। बंद तो करेगा, बता बता तू। नहीं कैमरे में कर यार, क्या है यार हम किसी। भाई साहब इन लोगों ने ना किसी लड़की को घास वास डाल दिया तो उसने ना चर लिया, तो जिस वजह से ना ये भाई साहब नहीं बताना चाहते। हाँ जी बताए बताए। यहाँ पे हम लड़कियों के साथ थोड़ी देर अगर पहले आता ना, हमारी सोच भाई नेगेटिव नहीं होती, हमारी पॉजिटिव होती है। हमारे सिर्फ बाकी ये होता है कि हम कंटेंट बनाएं और वीडियो बनाएं और यहाँ से निकलें। सो जी अभी ना मुझे एक दोस्त ने कहा था कि मेरे ना मेरी एक मसलन के एक फ्रेंड बनी हुई है, उसके लिए ना एयर रिंग्स लेके आने हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है भाई, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है तो इसलिए मैं उसके ना जीएफ के लिए ना वो लेने जा रहा हूं। जानता हूं जो क्लोज फ्रेंड है। हाँ वो मेरे दोस्त के लिए यार, उसकी जीएफ है तो उसके लिए ना मैं एयर रिंग्स लेने वाला हूँ। तो दोस्त ने रिकमेंड किया था, अभी कुछ ही दिन में मेरा ना आया था मैसेज, उसका आया था व्हाट्सएप पे और कह रहा था यार भाई वो लेते आना। तो ईरान के वो बहुत शौकीन है उसकी जो जीएफ है, उसके लिए मैं यहाँ पर एयर रिंग्स बाय करने वाला हूँ। तो शाने की यहाँ पे ना कोई फ्रेंड फ्रेंड बनी हुई है यार, तो सिर्फ तल्लक है यार थोड़ा बहुत, तो वो ही फ्रेंड ही होता है दोस्त। मैं उसकी तो शाना कह रहा है कि उसके पास चलते हैं और उससे बाय करते हैं और पहुंचते हैं वहाँ पर और देखते हैं क्या सीन है। ऐसा अभी हम लड़कियों के वर्कशॉप में आ चुके हैं तो यहाँ से सारा पार्ट्स मिल जाता है लड़कियों का। तो अभी हम इंट्री पे, सलाम सलाम नमस्ते ना, आजा यार आजा पाकिस्तानी आजा। सो जी अभी ये वर्कशॉप में आए, यहाँ से हर चीज पार्ट्स मिल जाता है, हम तो जस्ट ये आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। सलाम भाई साहब, गलत साइड पे लेके आ गए। इमाम खुमैनी भाई साहब पता नहीं किस साइड पे लेके आया है, लेकिन यहाँ पर तो ना हर चीज आप लोगों को वो उस तरह की मिलेगी आप ये जो सामने देख रहे हैं। भाई साहब भूल गए हैं यार, ये पता नहीं कौन से एरिया में लेके आ गए मुझे। सलाम ओ भाई, यहाँ से मैं तुझे कुछ खरीद के दूंगा। पता नहीं कौन सी साइड पे लेके जा रहा है, पहले जिस जगह में ले गया उधर तो मुझे सब कुछ वो दूसरा पार्ट से मिल रहा था। आई डोंट नो वेयर इज गॉन मैन। हाँ अब किधर जाना है? नीचे वही भाई साहब जो एक दफा हम आए थे जानी भाई के साथ, तो ये मार्केट तब भी बंद थी आज भी बंद है। तो आप इस साइड पे घुसे, ओ इस साइड पे तो चल यार एक मिनट, करीम बाजार। ये जी रोल्ला बाजार की तरफ हम आ गए हैं, भाई साहब को पता नहीं था पहले। अल्लाह अकबर, यहाँ पे पार्ट्स काफी हैवी हैं इस तरह के, समझ रहे हो? भाई साहब को हंसे जा रहे, हंसे जा रहे यार, काफी ट्रेडिशनल सामान है भाई यहाँ पर, सामान हकीकत वाली बात है काफी ट्रेडिशनल है यार। मैं खुद दिखा रहा हूँ, आप लोग मेरे व्लॉग में ना बोला करें यार, मेरी वीडियो चाहिए डायलॉग बोल कर।
क्या तुझे क्या हुआ है? यार मुझे बड़ी हंसी आई है। उफ़ ओ बोल रहे हैं आई एम न्यू हेयर आई डोंट नो प्लीज यार किधर लेके जा रहा है मुझे ये मेरे एक दोस्त नहीं उधर से उधर ले चल जिधर तू कह रहा है इस तरफ चलें ये शॉप है इस पे नहीं नहीं यार इसको ले चल यार पता नहीं इन लोगों को ये गुमशुम हो गए हैं और मुझे भी लेके फिर रहे लड़कियों में मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ लड़कियों में आकर सलाम क्या कह रहा है इधर आ रहा नहीं उधर नहीं जाना किधर जाना है उधर नहीं जाना।